हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएस ज्ञान चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जी हाँ, एआई के बारे में, जो आज की दुनिया का सबसे मोस्ट हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो अगर हम बात करें एआई की, तो सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि एआई की शुरुआत 1940s और 1950s के अराउंड से हुई थी और आज ये पहुँच चुका है हमारे हर दिन तक। जी हाँ, आप न जाने रोज़ कितनी ही चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आप हमेशा ही यूज़ करते हैं और जो शायद हर कोई यूज़ करता है, दैट इज़ आवर स्मार्टफोन। हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर यू हैव फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, जी हाँ, जिसे आप फेस लॉक भी बोलते हैं, दैट ऑल्सो यूजेज एआई। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आजकल हमारे पास फैसिलिटीज़ है स्कैन एंड ऑर्डर मेन्यू की, जिसकी वजह से उसी रेस्टोरेंट के अंदर शायद हमें मैनुअल स्टाफ कम से कम देखने को मिलता है, क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया है एआई पावर टेक्नोलॉजी या फिर फैसिलिटी, जिसे आप बोल सकते हैं स्कैन एंड ऑर्डर मेन्यू, जहां पे आप स्कैन कर सकते हैं एक क्यूआर कोड को जो कि लगा होता है हर एक टेबल के किसी भी एक कॉर्नर पे। आप अपने फ़ोन से गूगल लेंस से उसे स्कैन करेंगे और सारी की सारी मेन्यू आपके फ़ोन में खुलकर आ जाएगी और वहीं से आप ऑर्डर कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें चैटबॉट्स की, तो अराउंड अस, अगर हम अपने स्मार्टफोन की बात करें तो उसके अंदर चैटबॉट, जैसे आप गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हैं, जैसे आप सीरी यूज़ करते हैं, जी हाँ, उसी तरीके से वी हैव अमेज़न अलेक्सा। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज़ जो हम अपने आसपास यूज़ करते हैं, बट स्टिल हम इतना रियलाइज़ नहीं करते। अगर हम बात करें किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म या किसी भी शॉपिंग वेबसाइट की, तो हमारे पास हमें देखने को मिल जाते हैं रिकमेंडेशन इंडेक्सेस, जी हाँ, जो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप क्या देख सकते हैं, या फिर समथिंग दैट कैन इंटरेस्ट यू, जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ें होंगी वो आपके सामने एक इंडेक्स की फॉर्म में शो हो जाएंगी। जी हाँ, दीज आर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ एआई। नाउ इफ यू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो इट कंप्राइजेस ऑफ टू फैक्टर, मशीन प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस। देन इसका गोल है कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट कर सके, कॉपी कर सके। हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे चीज़ों को याद रखते हैं, हम कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, कैसे नई सिचुएशंस पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं किसी के साथ, ये सभी हमारी इंटेलिजेंस के अंदर आता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई कहाँ से। जी हाँ दोस्तों, दिस टर्म वॉज गिवन बाय अ स्टैनफोर्ड प्रोफेसर जॉन मैकार्थी इन 1955 इन हिज लैंडमार्क पेपर, जिसके अंदर इन्होंने बोला साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग मशीन इंटेलिजेंट। जी हाँ, मशीन्स के अंदर इंटेलिजेंस डालना, उनके अंदर दिमाग डालना एक तरीके से, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ही इज़ आल्सो नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम बात कर लेते हैं गोल्स ऑफ एआई की। जी हाँ दोस्तों, गोल्स ऑफ एआई, और अगर हम बात करें गोल्स ऑफ एआई की, तो एआई के अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा न्यूरल नेटवर्क्स। जी हाँ, न्यूरल नेटवर्क्स। दोस्तों, न्यूरल नेटवर्क इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी। अगर आप न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं, तो आपने न्यूरॉन्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जो बेसिकली एक्ट करती है एज एन इंफॉर्मेशन मैसेंजर, एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक पहुँचाने का काम करता है एक न्यूरॉन। और वही चीज़ अगर हम एआई के अंदर डाल दें, एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एंड दैट कम्स अंडर न्यूरल नेटवर्क्स। इफ़ यू टॉक अबाउट प्लानिंग, सो येस, वी कैन प्लान थिंग्स बेस्ड ऑन एआई। We are also using AI in robotics. We are also using AI in machine learning. We are also using AI in natural language processing. Now, if you talk about machine learning, so you must have had कि किसी भी मशीन के अंदर आप किसी एबिलिटी को डाल रहे हैं कि वो आसपास के एनवायरनमेंट को परसीव कर सके, परसीव करने के बाद उसी एनवायरनमेंट से कुछ सीख सके और उसी एक्सपीरियंस के बेस पर वो किसी भी सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड कर सके। येस गाइज, दिस इज़ बेसिकली मशीन लर्निंग, जिसमें मशीन हर एक चीज़ को सीखेगी, सीखने के बाद उसी नॉलेज को वो रिटेन कर रही है, और रिटेन करने के बाद उसी नॉलेज बेस को वो यूज़ कर रही है डिसीजंस लेने के लिए। जी हाँ, अब हम बात कर लेते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। यू मस्ट हैव यूज गूगल असिस्टेंट, जहाँ पे आप कोई भी काम बोलते हैं, हे गूगल, हाउ आर यू टुडे, तो डेफिनेटली आपको गूगल असिस्टेंट रिप्लाई करती है। तो दैट इज़ बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो आप बोलते हैं उसी चीज़ को परसीव करना और उसी पे रिस्पॉन्ड करना। अब हम बात करते हैं परसेप्शन की, तो परसेप्शन के अंदर हम आता है हमारा परसेप्ट्रॉन थ्योरीज। इफ़ यू टॉक अबाउट नॉलेज, तो येस, टू एक्सपैंड अवर नॉलेज और उसी नॉलेज को एक्सपैंड करके यूज़ करना इज़ बेसिकली अ वेरी बिग गोल ऑफ एआई। तो अगर हम बात करें कॉग्निटिव सिस्टम्स की, तो कॉग्निटिव सिस्टम क्या करते हैं, तो बेसिकली परसीव एनवायरनमेंट और उसी एनवायरनमेंट से परसीव करके वो एक एक्सपीरियंस फॉर्म करते हैं, लर्न करते हैं चीज़ों को, और
उस लर्न्ड एक्सपीरियंस के थ्रू, नॉलेज बेस के थ्रू वो हमें कोई आउटपुट प्रोड्यूस करके देंगे। जी हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ एआई की। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ एआई की, तो एलिमेंट्स ऑफ एआई में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एआई अपने अंदर इंक्लूड करता है। तो जैसे हम बात कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस की। जी हाँ, एआई इंक्लूड्स कंप्यूटर साइंस, एआई इंक्लूड्स साइकोलॉजी, एआई इंक्लूड्स अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, एआई इंक्लूड्स न्यूरो साइंस, एआई इंक्लूड्स मैथमेटिक्स, एआई इंक्लूड्स सोशियोलॉजी, फिलोसफी एंड सो मैनी फैक्टर्स। Now talking about AI and its related field, so we have vast application of AI in cognitive computing. Ji haan, cognitive computing is basically perceiving the environment and creating a knowledge base and using that knowledge base for solving problems. अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर विजन की, तो आपने कंप्यूटर विजन को यूज़ ज़रूर किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी इमेज को क्लिक करके उस इमेज के थ्रू सर्च करते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल लेंस, तो आपको डेफिनेटली उस इमेज के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करी जाती है। दैट येस गाइज, दिस इज़ अ बेसिक एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर विजन। सो यू आर यूजिंग कंप्यूटर विजन, दैट इज़ ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग यू ऑल्सो नो, मशीन लर्निंग इज़ बेसिकली ट्रेनिंग अ मशीन, और उसी ट्रेनिंग में जो भी डेटा उसमें डाला जाता है, मशीन उसे लर्न करती है और सिचुएशंस पर रिस्पॉन्ड करती है, अपने काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। न्यूरल नेटवर्क्स, यू नो गाइस, न्यूरल नेटवर्क्स इज़ अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी फैक्टर। सो न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क्स, विच आर नोन एज न्यूरल नेटवर्क्स। नाउ इफ यू गो इन डीप लर्निंग, नाउ डीप लर्निंग इज अ वेरी अंडर डेप्थ पार्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। जी हाँ, किसी भी इंफॉर्मेशन को तह तक आप यूज़ कर सकते हैं, उसकी लेयर बाय लेयर आप उस इंफॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारा डेटा एक निकाल सकते हैं और उसको डाल सकते हैं अपने नॉलेज बेस के अंदर। देन दिस इज़ बेसिकली डीप लर्निंग। इफ यू टॉक अबाउट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ AI, तो AI ने कोई भी सेक्टर नहीं छोड़ा है जिसमें इसकी इंटरवेंशन ना हो। जी हाँ, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, सर्विलेंस, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन, गेमिंग, रोबोटिक्स, एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, हर एक जगह AI पहुँच चुका है। तो अगर हम बात करें AI ट्रेंड क्यों कर रहा है, जी हाँ, वाई AI इज़ ट्रेंडिंग। सो AI सॉल्व्स आवर रियल टाइम प्रॉब्लम्स, जो काम हम अभी कर रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं अभी, उसी चीज़ को ये रियल टाइम पे सॉल्व करता है, अभी सॉल्व करता है। इट इज़ प्रोवाइडिंग सपोर्ट विद वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे हम बात कर सकते हैं Siri, Cortana, Google असिस्टेंट, एंड ऑल्सो इट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर इन एनहांसिंग द डेवलपमेंट ऑफ रोबोटिक्स। जी हाँ, रोबोट्स को ट्रेन करने के लिए और उनको अपने टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए AI इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। नाउ इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि हम बात कर सकते हैं डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, बिग डेटा इंजीनियर, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर, AI इंजीनियर, AI डेटा एनालिस्ट, रोबोटिक साइंटिस्ट एंड रिसर्च साइंटिस्ट, यस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गाइस, लिस्ट थोड़ी लंबी है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट टॉप 4 टेक्निक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टूडेज वर्ल्ड, सो डेफिनेटली दे इंक्लूड मशीन लर्निंग, NLP, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, ऑल्सो मशीन विजन। तो अगर हम बात करें फ्यूचर ऑफ AI की, तो आने वाले टाइम पे ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जिसके अंदर ये नहीं होगा। ऑल्दो अभी भी इट इज़ एक्सपेंडिंग, बट स्टिल हेल्थ केयर में, ऑटोनोमस व्हीकल्स में, सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में, एजुकेशन सेक्टर में, एंटरटेनमेंट सेक्टर में, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में, और हर एक वर्क प्लेस में हमें देखने को मिल जाएंगी AI की एप्लीकेशंस ऑन अ वास्ट लेवल। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में। जी हाँ, कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान। तो अगर हम बात करें इसके फ़ायदों की, बेनिफिट्स की, प्रोज की, सो दे डेफिनेटली गिव अस इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस ह्यूमन एरर्स। ऑल्सो डिसीजन मेकिंग में ये बहुत क्लियर कट डिसीजन देते हैं। अवेलेबिलिटी इज़ ऑल्सो अ बिग फैक्टर। इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स कॉन्स, इट्स डिसएडवांटेजेस, सो इट इज़ येस, इट इज़ कॉजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको AI के बारे में कोई नॉलेज तक नहीं है, तो उस चीज़ में स्किल्स हासिल करना इज़ अ बिग फैक्टर। इट ऑल्सो रिक्वायर्स हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो इट इज़ इंक्रीजिंग आवर डिपेंडेंसी ऑन मशीन्स।
एंड लैक ऑफ क्रिएटिविटी, क्योंकि अगर हमें हर चीज़ बैठे बिठाए मिल जाएगी जस्ट ऑन अ वर्ड ऑफ माउथ, तो वाई वुड बी क्रिएट समथिंग न्यू? येस, सो इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग लैक ऑफ क्रिएटिविटी फैक्टर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट AI. थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस. अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और इसको शेयर ज़रूर करें.